बात थी, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, एक का नाम था सुरेश तो एक का नाम था रमेश। और सुरेश बहुत अकलमंद और बहुत समझदार भी था, और इसलिए रमेश उससे बहुत चिढ़ता था। तो एक दिन रमेश सोचता है कि वो उसको एक गड्ढे में गिराए। तो वो गड्ढा खोदने चल जाता है, वो गड्ढा खोदता है और उस पर पत्तियां डाल देता है। फिर लेकिन मैं सब कुछ सुन लेता लेकिन सुरेश सब कुछ सुन लेता है। तो वो गड्ढे में से पत्ती हटाता है और थोड़ी पत्ती डालता है और फिर मिट्टी भर देता है। तो जब सुरेश वहां से गुजरता है तो अपना चुपचाप चला जाता है। फिर रमेश सोचता है कि वो क्यों नहीं गिरा। तो रमेश जब वहां पे आता है तो वो खुद ही गिर जाता है ऐसे। फिर रमेश बोलता है सुरेश को, सुरेश मैं तुमसे कंपटीशन करना चाहता हूँ। तो सुरेश कहता है ठीक है, तो बिना छुए हरीश की जैकेट उतार के दिखाओ। तो रमेश बेवकूफ था, उसको कुछ नहीं पता था। तो उसने पानी लिया और रमेश पर डाल दिया। तो रमेश को ठंड लगी और उल्टा उसने और अपने ऊपर जैकेट कर दिया। तो जब सुरेश ने एक कांच का टुकड़ा लिया, फिर उसने जब सूरज की रोशनी वहां से वहां पर डाली तो रमेश को गर्मी हुई और उसने अपनी जैकेट उतार दिया। तो सुरेश जीत गया और रमेश हर मान लेता है।